नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बुक रिव्यू में स्वागत है। इस बुक में हम बात करने वाले हैं बिजनेस कोहिनूर रतन टाटा जी के बारे में। मतलब कि दोस्तों, इस बुक में हम पूरी तरह से टाटा ग्रुप के बारे में बात करेंगे कि टाटा ग्रुप ने आज जो शिखर पर पहुंचा है वह कितनी सफलता और कितनी मेहनत के बाद इस ग्रुप पर पहुँचे हैं। इसमें जो सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका रतन टाटा जी का, उसके बारे में हम इस बुक में, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और इस बुक में दिया गया है। तो हमारे फ्रेंड, सबसे पहले हम आपको बता दें कि रतन टाटा को जो अध्यक्ष का पद मिला था उनकी प्रतिभा और योग्यता के कारण मिला था, न ही कि उनके विरासत के कारण मिला था, उनके परिवार के कारण मिला था। उन्होंने अपनी जो पहचान बनाई वह देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी एक अलग स्थान उनका है और औद्योगिक क्षेत्र में उनका एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बुक में आपको बहुत सारी बातें यहाँ पे देखने को मिलेगी। टाटा को किस प्रकार से स्थापना हुआ था, टाटा को किस किस स्ट्रगल से गुजरना पड़ा और आज जो टाटा पहुंचा हुआ है वह कितने फेजे और कितने स्ट्रगल के बाद इस शिखर पर पहुंच चुका है। माय फ्रेंड्स, इसके जो संस्थापक थे टाटा ग्रुप का वह थे जमदेव जी टाटा और इसके बाद कई अध्यक्षों ने यहां तक पहुंचा। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमदेव जी टाटा का एक सपना था कि उनके देश में औद्योगिक हो और उनका एक सपना भी था कि इस्पात के क्षेत्र में हो और बहुत सारे क्षेत्र में हो और एक होटल जो विश्व का सबसे सुंदर होटल ग्रुप में गिना जाना चाहिए। इसके लिए दोस्तों, जमदेव जी टाटा ने मुंबई में दत्ताज होटल की स्थापना की थी। इनका मात्र केवल यही एक सपना उनके जिंदगी में जिंदा रहते हुए पूरा हुआ और बाकी सपना उनके आने वाले पीढ़ियों ने चलाया बनाया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात बहुत ही रोचक होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है दोस्तों, टाटा ग्रुप के बारे में बात हो रही है। तो टाटा ग्रुप के जब रतन टाटा जी इस ग्रुप के जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने काफ़ी विकास टाटा ग्रुप के ले किया है। टाटा ग्रुप के यदि हम बात करें दोस्तों, तो आज भारत ने बल्कि विदेश में लगभग 86 ऐसे देशों में इसकी कंपनियां चल रही है टाटा ग्रुप के। रतन टाटा को उस समय सबसे प्रभावित देखा गया जब उन्होंने लकटकिया नैनो का आविष्कार किया था, मतलब अपने उद्योग में उन्होंने बनवाया था, जिसमें दोस्तों 1 लाख में फोर व्हीलर गाड़ी सभी को दिया जा रहा था। उनकी मेहनत, लगन और दूरदर्शिता के कारण दोस्तों इस टाटा ग्रुप को आज बहुत ऊंचे शिखर पर इन्होंने लाया है। माय फ्रेंड्स, टाटा ग्रुप जब इस गाड़ी का आविष्कार कर रहे थे उस समय इस गाड़ी के आविष्कार में 21 दिनों का सामना करना पड़ा, लगभग में 2 से 3-4 वर्षों का सामना करना पड़ा, तब जाकर यह गाड़ी बनकर तैयार हुई थी। क्योंकि यह एक ऐसी अनोखी गाड़ी थी दोस्तों जिसमें बहुत कम मात्रा में बहुत ज़्यादा कुछ देने के बारे में रतन टाटा सोच रहे थे और बहुत कम पैसा में साधारण से साधारण लोगों तक गाड़ी पहुंचाने की उनकी जो दूरदर्शिता थी वह कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। बात करें दोस्तों, तो इस ग्रुप से पहले JRD टाटा ने भी इस कंपनी के विकास में बहुत सारा योगदान दिया है। तो इस बुक में आप सारी इन सब बातों को जब पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यदि हम बात करें माय फ्रेंड्स, तो इसमें लगभग अभी तक 100 कंपनियाँ के रूप में काम कर चुकी है और 300 आनुषांगिक कंपनियाँ हैं जो काम कर रही है। मतलब दोस्तों, यदि प्रोडक्ट के बारे में जैसे हम बात करें, टाटा चाय चल रही है, अभी टाटा मोटर्स चल रही है, टाटा स्काई चल रही है, ताज होटल चल रही है, मतलब कि ऐसे टाटा इस्पात भी चल रहा है दोस्तों, जिसे टिस्कॉन भी नाम के साथ आ जाते हैं और एशिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर के रूप में भी इसे जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो टाटा ग्रुप को भी जाना जा रहा है। रतन टाटा जी दोस्तों चेयरमैन बने तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण अपने पास किया। जगुआर जैसे बड़े कंपनियों को उन्होंने अपने टाटा ग्रुप में शामिल किया और टाटा को विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जब से रतन टाटा जी आए हैं तो उन्होंने अधिग्रहण का जो सिलसिला है वह बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया था और लगभग में बहुत सारा कंपनियों को इन्होंने अपने पास में अधिग्रहण किया और टाटा का विकास किया। उस समय की बात है दोस्तों, जब ताज होटल ताज मुंबई में जब आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया था, उस समय बहुत सारा लोग मारे गए थे। उस समय दोस्तों मतलब हमारे देश में भयावह स्थिति पैदा हुई थी। उस समय रतन टाटा ने कहा कि जितने भी हमारे कंपनी में जो कर्मचारी हैं उनका 1 दिन का पेमेंट नहीं कटेगा, या जो कर्मचारी काम करते हुए मतलब कि दुनिया छोड़ दिए उन कर्मचारियों को पूरा पैसा, चाहे वह कितना ही बड़ा रकम क्यों ना, उन्हें वापस मतलब कर्ज चुकाया जाएगा और उनकी फैमिली को जिंदगी भर मतलब उन्हें देखा जाएगा और उनके जो बच्चे पढ़ने लायक हैं उन्हें पढ़ाया जाएगा और उनके आसपास जो ठेले वाले थे या फिर जो फुटपाथ पे काम कर रहे थे उनकी जितनी भी क्षति हुई थी सभी को कहने का ही रतन टाटा ने भरपाई की। इसीलिए रतन टाटा आज हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा और व्यक्ति बन चुके हैं
और हमें आदर्श मॉडल के रूप में जाने जाते हैं। तो आशा है दोस्तों आप इस किताब को एक बार जरूर रीड कर लें, और रीड करेंगे दोस्तों तो इससे आपको टाटा ग्रुप का जो विकास हुआ है उससे उसके बारे में आपको सीखने को मिलेगा, और इससे जो आपको बहुत कुछ जो अच्छी अच्छी जानकारियाँ होंगी आपको सीख सकते हैं। तो आशा है कि आप बुक आप सभी को बुक रिव्यू आप सभी को पसंद आया होगा, और यह वीडियो आप सभी कैसा लगा दोस्तों, और इसमें किस प्रकार का आप सुधार करवाना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। यदि आपका कोई प्रिय बुक है दोस्तों तो यदि आप उससे रीड किए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जो लोग नहीं पढ़े उनका भी काम चल जाएगा। तो आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया एवं धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।